नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। कोविड काल के बाद पूरी दुनिया में बदलाव देखा गया, पर सबसे बड़ा बदलाव देखा गया लोगों की सेहत पर। आज हम बात करने वाले हैं वैस्कुलर नेक्रोसिस की, जिसे हम कहते हैं एवीएन, जो कि 20 से 40 साल के लोगों को ज्यादा अपनी चपेट में लेता है और 40 से 50 साल के लोगों को भी ये हो सकता है। ये बोन टिश्यू की डेथ की वजह से होता है। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद हिप जॉइंट पेन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें हिप पेन वेट बेयरिंग से भी बढ़ जाता है, पर इन मामलों के बढ़ने की असली वजह क्या है? असल में पहले जब एस्थमा, आर्थराइटिस या दूसरे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती थी और स्टेरॉइड दिया जाता था, तब इसका खतरा बढ़ता था। पर इसके मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? कोविड के बाद इतने केसेस इसके क्यों आ रहे हैं? चाहे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही जॉइंट्स में रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, इसलिए हम जानते हैं कि बचाव ही सही तरीका है। तो आज हम बात कर रहे हैं AVN की, इसे कहते हैं वैस्कुलर नेक्रोसिस। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिल सोही जुड़ गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहिल श्रेष्ठ भारत में। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को बता भी चुके हैं कि किस तरीके से कोविड के बाद उसके केसेस बढ़े हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझना चाहूंगी, क्या होता है AVN, क्या होता है? हेलो गुलविश, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर अगेन। एवैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसको हम AVN के नाम से जानते हैं, कि बेसिकली कैसे बीमारी है जिसमें हमारी बोन में जो खून का दौरा है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो कम हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड फ्लो इतना स्लगिश हो जाता है कि वहां पे ब्लड फ्लो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और जब जो पार्ट बोन का बिल्कुल वेस्कुलरिटी से हट जाता है, जैसे कि नाम है ए वेस्कुलर, वेस्कुलरिटी जहां बिल्कुल खत्म, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, कम्स अ डेड पीस ऑफ द बोन व्हिच कॉजेस वेरी मच पेन। तो AVN जरूरी नहीं है सिर्फ हिप में हो, और भी ऐसी बोन्स हैं जहां पे AVN हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन लोकेशन जो AVN की है वो हिप में पाई गई है। तो इसलिए AVN हिप हमारी जनता में काफी कॉमन बीमारी है। दूसरी बात की आपने कोविड की, तो कोविड के बाद हाँ देखा गया है कि ये बीमारी ज्यादा उभर के सामने आ रही है। विस्तार से हम सब चीज़ों पे बात करेंगे डॉक्टर साहिल आपसे, लेकिन मैं यहाँ पे एज ग्रुप जानना चाहूँगी, क्योंकि हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं जो हिप पर असर डालता है और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकता है नॉर्मल लाइफ पर। तो क्या कौन सी एज ग्रुप है जो इस पर सबसे ज़्यादा ये असर डालता है, सबसे ज़्यादा अपनी जकड़ में लेता है? Usually AVN है हमें मिडल एज के बाद में देखने को मिलता था, पहले बिफोर कोविड एरा मिडल एज टू ओल्ड एज में AVN देखा है, बट कोविड के बाद हमने पोस्ट कोविड सर्ज में बहुत सारे यंग जनरेशन को, इवन 20s एंड अर्ली 30s में भी AVN हिप के बहुत सारे केसेस देखे हैं। उसका कारण है कि AVN के एक कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज जो है दैट इज स्टेरॉयड इनटेक, और कोविड में हमारा स्टेरॉयड इंटेक इतना ज्यादा हुआ है बिकॉज वी वर जस्ट गिविंग मेडिसिंस टू सेव आवरसेल्व्स। तो उसके चलते, स्टेरॉयड यूज के चलते हमारी जो बोन्स हैं वो, हिप की बोन्स जो हैं वो काफी एवैस्कुलर हुई हैं, और AVN हिप का जो एपिडेमियोलॉजी है, वो इंसिडेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद। और ये सिर्फ हिप बोन में हो सकता है, या जो हम जिस हम बात कर रहे हैं, ये जो समस्या है बॉडी की किसी भी पार्ट में हो सकती है, या सिर्फ ये हिप में होता है? बॉडी की और भी बोन्स में होता है, AVN स्केफोइड बोन, ये जो हाथ की बोन है उसमें भी होता है, हमारे पैर में भी हो सकता है, किसी भी बोन का हो सकता है, नी का भी हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन साइट है एवैस्कुलर नेक्रोसिस की वो हमारा हिप ज्वाइंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने बताया हम हिप में ही बात करते हैं, हल्का फुल्का दर्द अगर हो तो कैसे पहचानते हैं कि ये AVN है या ये कुछ हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है? क्या दोनों के सिम्टम्स में कुछ फर्क होता है? यूजुअली ये एक नॉर्मल हिप पेन की तरह ही स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली आगे चल के पेशेंट इतना डेबिलिटेट हो जाता है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्लिनिकली सिम्टम वाइज पेशेंट के लिए समझ पाना कि AVN हिप है या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज बोला है, ये मुश्किल है।
और स्टेज वन में मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हिप होता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप हिप में पेन महसूस कर रहे हैं तो उस दर्द को, उस पेन को लाइटली नहीं लीजिए। आप तुरंत अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे जाके मिलिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाइए। तो प्रॉपर हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स और डायग्नोस पे हम आएंगे डॉक्टर साहिल, हम आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, कितने समय तक ये दर्द रह सकता है? आप बोल रहे हो कि फर्स्ट स्टेज में हल्का हल्का दर्द रहता है, तो कितने टाइम तक किसी में सिम्टम्स ये आ सकते हैं और उसको पता भी ना चले कि एलियन है? काफी काफी लंबे समय तक भी ऐसा हो सकता है कि आपको एलियन स्टार्ट हो गया हो, बट जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है आपके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। पहला सिम्टम है हिप में पेन होना, इंटरनल रोटेशन, अंदर की तरफ हिप की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो आपको स्वेटिंग में प्रॉब्लम होगी, स्वेट करते वक्त पेन होगा, आप क्रॉस लेग नहीं बैठ पाएंगे। हम इंडियन जनरेशन की बात करें तो उपरू बैठना नहीं, आलती आलती मार के बैठने में तकलीफ होगी या ऐसी एक्टिविटीज करने में पेन और बढ़ेगा, और ये काफी लंबे समय तक भी चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि जब तक आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपने अपनी पेन को इतना लाइटली लिया हो कि आपका हिप ऑलरेडी हिप जॉइंट जो है वो कलैप्स स्टेज में आ गया, इन विच THR बिकम्स द ओनली पॉसिबल ट्रीटमेंट। कि जो हमारी नॉर्मल डे फंक्शनैलिटी होती है कि हमें चलना है, कुछ सामान उठाना है, कुछ काम करना है, अगर वो थोड़ी भी हिंडर करे तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए। जरूर जाना चाहिए। हो सकता है कि वो एक नॉर्मल मसल्स और की वजह से मस्कुलर पेन हो, या कोई और किसी बिना किसी भी रीजन की वजह से पेन हो सकती है, या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है ताकि अगर एलियन है भी तो हम उसे बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पर पिक कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ मेडिसिन से, रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से हम डिसीज को प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो समय पर, जैसे कि हम लगातार बात करते हैं कि समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद, कोविड का जो टाइम बीता है इतना भयानक टाइम कि लोग अब भी वो सारी यादें ताज़ा हैं, जिस तरीके से लोगों ने समय बिताया है उस टाइम जान बचाने के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए थे, लेकिन उसका असर अब देखा जा रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है, लोग पेशेंट्स आपके पास आते हैं अगर कोविड हुआ हो, स्टेरॉइड्स दिए गए हो, तो क्या उनमें चांसेस ज्यादा है एवियन होने के? ऐसे केसेस आप दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों चीजों को? बिल्कुल। कोविड के बाद अगर कोई यंग मेल या यंग फीमेल वॉक्स इनटू माय ओपीडी एंड सेइंग कि मुझे स्टेरॉइड दिया गया था लंबे टाइम के लिए ड्यूरिंग कोविड और अभी मेरे हिप में पेन है, तो ऐसा नहीं है, काइंडली डायग्नोसिस पे आता एवियन हिप के चांसेस आर वेरी हाई। फिर मैं उन्हें क्लिनिकली एग्जामिन करता हूँ, आई गेट देयर एक्सरेज डन एंड देन द एमआरआई डन एंड प्रॉपर स्टेजिंग इज डन कि आप कौन सी स्टेज ऑफ एवियन में है, और हर स्टेज के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान जो है मेरा वो चेंज होता है। आपने बताया एक्सरे किया जाता है, तो क्या हर चीज के लिए एक्सरे के बाद एमआरआई आजकल होना बहुत नॉर्मल हो गया है, तो कब एक्सरे कराना चाहिए और कब आपको एमआरआई की जरूरत होती है फिर किसी भी पेशेंट में? एमआरआई एक्सरे इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। आपको कोई भी पेन है आप सबसे पहले एमआरआई एक्सरे करवाएंगे, डायरेक्टली एमआरआई पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है? एक्सरे में अगर मैं देखता हूं कि हाँ यहाँ पे एवियन है, मेरा जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो हो रहा है, या मुझे क्रिसिंग साइन मिल रहा है, मैं टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, बट ये एक्सरे के साइंस है जो एवियन हिप में देखे गए हैं, उसके बाद आई गेट एन एमआरआई डन टू सी कि कितने एक्सटेंट तक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, साथ में कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि एमआरआई के बाद ही एक्सरे फाइंडिंग्स और एमआरआई फाइंडिंग्स को मिलाकर मैं एक स्टेज निर्धारित कर पाऊंगा कि एवियन स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या आप लेमन टर्म्स में कहें कि प्री कलैप्स है या पोस्ट कलैप्स है। अगर आपका जॉइंट ऑलरेडी कलैप्स हो चुका है तो हिप रिप्लेसमेंट ही एक सुरक्षित ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेरे पास कोलैप्स स्टेज ऑफ एवियन में। और अगर आपका हिप आप मेरे पास प्री कोलैप्स स्टेज में आया, जैसे बोलते हैं कि जॉइंट अभी कोलैप्स नहीं किया, शेप हेड की अभी भी मेंटेन्ड है, तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं
before replacing your total hip, before doing your total hip replacement surgery, जिनसे मैं AVN hip का इलाज कर सकता हूँ. तो इसकी X-ray और MRI दोनों की अपनी importance है. यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर साहिल, लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं MRI सुन के. एक्सरे तो लोग करा भी लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ये थोड़े डर हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता इस बात को. तो हम बात कर रहे हैं AVN की, जिसके अंदर जो बोन टिश्यू होता है उसके खराब हो जाने की वजह से, उसकी वो डेड हो जाने की वजह से ये दिक्कत आती है. तो ऐसे में अगर स्टेज वन पे पता चल जाए डॉक्टर साहिल, तो क्या पॉसिबल है कि दोबारा रिवाइव कर दिया जाए उसको? जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि AVN की 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, या हम बोलेंगे प्री कलाप्स और पोस्ट कलाप्स स्टेज. तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट है, दैट इज मेडिसिन ओनली. उसमें हम बिस्फॉस्फोनेट्स जो कि बोन फॉर्मिंग मेडिसिन है, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब दवाइयाँ देके, नॉन वेट बेयरिंग रख के अपने जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें वजन ना डालना, एडिक्वेट रेस्ट लेना और प्रॉपर एडजस्ट करके हम अपने हिप को बचा सकते हैं और बहुत लंबे समय तक सर्जरी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. आप ही की हड्डियों में से बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करके, सेंट्रीफ्यूज करके आपको डीकम के बाद बीमैक इंजेक्ट कर देते हैं. कुछ कोर डीकम्प्रेशन प्लस PRP करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. आपकी बॉडी से ही आपकी का ब्लड विड्रॉ करके पेशेंट का, उसमें से प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट किया जा सकता है कोर डीकम्प्रेशन के बाद. पहले अर्लियर सर्जन जो थे वो कोर डीकम्प्रेशन के साथ हमारी लेग की जैसे दो बोन्स हैं, TBI और फिबुला, फिबुला बोन का एक छोटा सा पीस ग्राफ्ट बोन ग्राफ्ट निकालते थे, उसको फिबुलर स्ट्रट ग्राफ्टिंग बोलते हैं. तो कोर डीकम्प्रेशन प्लस फिबुलर स्ट्रट ग्राफ्टिंग भी होता था. तो कोर डीकम्प्रेशन एक ऐसी सर्जरी है जिससे हम अपने हिप को, नॉर्मल जॉइंट को बचा सकते हैं. और अगर आप ऑलरेडी हिप बोन कलैप्स कर गया है या कोर डीकम्प्रेशन के बाद भी कभी कभी देखा जाता है कि पेशेंट के जो सिम्टम है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उन्हें रेस्ट पेन भी कंटिन्यू रहता है, तो जो लास्ट ऑप्शन है और जो मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है इसमें, दैट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट. हम THR कर देते हैं पेशेंट का, और THR इज अ वेरी गुड इम्प्लांट, इम्प्लांट इज अ वेरी स्टेबल इम्प्लांट. उसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ है, सर्जरी के नेक्स्ट डे ही कैन स्टार्ट बियरिंग वेट ओवर हिज लेंथ, ही कैन वॉक. इनिशियली वॉकर से चलते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो, इसलिए नहीं कि वजन नहीं डालना. कोर डीकम्प्रेशन करवाने के 2 से 3 महीने तक हम पेशेंट को पैर पे वजन डालने से मना करते हैं, और जितना लंबा बेड रेस्ट हो उतना अच्छा बताया जाता है. बट अगर हम THR करते हैं तो हमें इतने लंबे समय तक रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने लिम्स पे वजन डाल के नेक्स्ट डे से ही अपनी नॉर्मल लाइफ में चलना स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमने सारी स्टेजेस की बात की, हमने सिम्टम्स की बात की AVN के बारे में. मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या लाइफस्टाइल ऐसी हम रखें, क्या कुछ ऐसी चीजें करें कि हड्डियों से जुड़ी ये दिक्कतें हो ही ना, इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे. AVN हिप के जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस बोला गया, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं. स्टेरॉइड तो अभी बहुत ज्यादा सामने आया आफ्टर कोविड, बट अदर कॉजेज आर एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, और उसके बाद आपका स्टेरॉइड इनटेक है, या अगर इनहेरेंटली ही आपको कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो इन एनी केस आपके किसी भी बोन की हीलिंग को बहुत ज्यादा डिले करती है. तो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग. इफ यू आर अ स्मोकर, आज ही सीखिए, आज ही बीड़ी छोड़िए. तो सेवन किसी भी फॉर्म में, भले वो धुएं से हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, पान हो, आपको वो नहीं करना. दूसरी बात करें कि अल्कोहल की, कि अल्कोहल को भी आपको छोड़ना है, या अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में और बहुत लंबे इंटरवल्स या गैप पे ले, जितना रिड्यूस कर सके अल्कोहल इंटेक को उतना करना है. स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी है, और अगर आपने स्टेरॉयड लिए हैं लंबे समय तक किसी भी चीज के लिए, तो आपको थोड़ी सी भी अगर इसमें पेन है तो इमीडिएटली जाके अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए. और अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, लाइक सिकल सेल एनीमिया या कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज है,
तो आप टाइम टू टाइम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन कराइए देखने के लिए कि कहीं कोई एलियन डेवलप तो नहीं हो रहा। डॉक्टर साहिल, जो बोन डेंसिटी टेस्ट होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि विटामिन डी की बहुत कमी रहती है, अगर आप टेस्ट करेंगे विटामिन डी कम ही निकलता है ज्यादातर लोगों का, तो इन दोनों चीजों को लेकर मैं चाहूंगी आप थोड़ा हमें जानकारी दें। बोन डेंसिटी टेस्ट जिसे हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं ना, उसमें बाइंस की डेंसिटी से हमें पता चलता है कि बोन कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। हड्डी का कमजोर होना इज ऑस्टियोपोरोसिस, एवियन इज अ डिफरेंट थिंग, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये बिल्कुल है, बहुत ज्यादा पाई गई है। उसके दो कारण है, पहला इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा विटामिन डी का जो इनटेक है वही कम है, एंड द अदर वन इज लैक ऑफ सनलाइट, हम अपना सनलाइट एक्सपोजर ऑलमोस्ट नल कर चुके हैं। वी हैव पैक्ड अवरसेल्व्स इन एसी चैंबर्स एंड एसी कार्स, हम धूप में निकलना पसंद ही नहीं करते हैं, तो विटामिन डी ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियंस का डेफिशिएंट रहता है। उसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, टाइम टू टाइम आपको एडिक्वेट सनलाइट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बोन्स का कमजोर होना इज ऑस्टियोपोरोसिस, एवियन इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिल, ये सारी जानकारी आपने हमको दी। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो ऐसे में आप लास्ट टिप्स आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैंने जो वही प्रिवेंशन की बात की, आपको अपने आप को बचाना है, स्मोकिंग को बिल्कुल ना बोलना है, एल्कोहल को बहुत ज्यादा लिमिट में लेना है, हो सके तो एल्कोहल भी छोड़ देनी है, स्टेरॉइड्स अगर लग रहे हैं या कोई प्री तो जरूर, अगर हेड में कोई भी सिम्टम आता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट कीजिए। दूसरा, आपको नॉर्मली भी अगर आपका इन सब में से कुछ भी नहीं है, स्टिल आपको हेड में पेन महसूस हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्वेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सिटिंग क्रॉस लेग आपके लिए डिफिकल्ट हो गया है, तो भी आप जरूर जाकर नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए, और अगर एवियन डायग्नोज हो गया है तो इसको आप लाइकली मत लीजिए, अनट्रीटेड मत छोड़िए, इसका इलाज जितनी जल्दी जितना इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट होता है, चांसेस ऑफ रिकवरी एंड चांसेस ऑफ डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज उतने ही ज्यादा हैं। तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो ज्यादा चांस है कि आप डिसीज को बहुत लंबे समय तक बचा सकते हैं, अपने हिप ज्वाइंट को बहुत लंबे समय तक बचा सकते हैं। अगर आप लेट आते हैं या ऑलरेडी कलैप्स स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो THR becomes the only possible option with us, जो कि total hip replacement है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिल, यहाँ पर आप स्ट्रेच भारत में हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो आज हमने आपको एवियन के बारे में बताया, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और सबसे अहम ये कि अगर आप ड्रिंक और स्मोक करते हैं तो आप खुद एवियन को बुलावा दे रहे हैं। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।